गाइस ऑल अनचेक्ड डाटा आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। लेवल 69, लेवल 30, 40, 70 और इनमें से कुछ भी निकल सकता है और सारे के सारे अनचेक है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ले सकते हो और प्राइस एकदम चीप से चीप, ओनली 1000 रुपीस। तो भैया वापस इतना ज़्यादा डिमांड के बाद हम लेकर आ चुके हैं डाटा। पिछली बार डाटा लेकर आए थे भाई, 2 ID के अंदर ग्लेशियर लेवल 3 और 1 के अंदर ओल्ड RP निकला था और बाकी जितने भी अकाउंट थे सारे के सारे भैया एक नंबर थे। मतलब 54 लेवल का अकाउंट, 73 लेवल का अकाउंट, इसके अंदर क्या हो सकता है? पिछला वाला तो फिर भी इतना सस्ता था भाई। आज आया है प्रीमियम अकाउंट्स का डाटा, आप लोग आइए ट्राई करिए भाई, कुछ भी निकल सकता है आज तो अंदर से। एक्स सूट, ग्लेशियर मैक्स, आप लोग के ऊपर है, आप लोग के लक के ऊपर है और जैकपॉट की तरह है। आप लोग अकाउंट खोलोगे, अकाउंट में से कुछ भी निकल जाएगा। 2500 के अंदर 100+ डाटा आप लोग पे। तो और क्या है भाई लोग, अब भाई आज की वीडियो में मैं कोई इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो भाई ये वीडियो होने वाली है टोटल 5 पार्ट्स में, जिसके पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फिशिंग स्कैम होता है वो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से आपकी ID स्कैम हो जाती है और क्या होता है डेटा, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहे हो। वीडियो के दूसरे पार्ट में भाई मैं हर उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ, हर उस एलिगेशन को रिप्लाई करने वाला हूँ जो कि अभय स्कैमिंग ने मेरे ऊपर लगाए हैं 3 वीडियोस बना के, तो उन सभी का रिप्लाई करने वाला हूँ। इसी के साथ वीडियो के थर्ड पार्ट में होगा भाई अभय गेमिंग का एक्सपोज, जिसमें मैं पूरे प्रूफ्स के साथ, बिल्कुल हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल फुल ऑन सॉलिड प्रूफ देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभय गेमिंग की सच्चाई क्या है। और इसी के साथ भाई वीडियो के चौथे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना फेक है ये बंदा, कैसे इसने व्लॉग के वीडियोस में अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाया है, उनका काटा है। और भाई इसी के साथ वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि इसके ऊपर क्या लीगल एक्शन मैं लेने वाला हूं, क्योंकि भाई मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे एक पोल रखा था और उस पोल में मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या इसके ऊपर रिप्लाई करना चाहिए या इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए या कोई और भी सजेशंस हैं आपके तो आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद लोगों ने बोला है कि इसके ऊपर रिप्लाई वीडियो भी आनी चाहिए। तो भाई इसी वजह से मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ, इसको रिप्लाई भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ इसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले रहा हूँ। तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और उसके बाद जो कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं, फीडबैक्स हैं या कोई भी सजेशन है तो आप बेधड़क बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिशिंग का स्कैम होता क्या है। तो भाई देखो, होता ऐसा कि कुछ लोग, या मैं कहूँ कि कुछ गिरे हुए लोग, ऐसी साइट्स बनाते हैं जहाँ पे आपको अनबिलीवेबल डील्स मिलती है, जहाँ पे आपको स्पिन में M416 ग्लेशियर निकलता है, सस्ती UC मिलती है और BGMI से रिलेटेड और भी स्किन्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्री के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में ऐसी वेबसाइट्स पे जाके क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उनसे उनका यूज़र ID और पासवर्ड पूछा जाता है और जैसे ही इसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो सीधा सीधा ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास जिन्होंने वेबसाइट डिजाइन करके रखी हुई है उनके ईमेल आईडी पे चली जाती है, इस तरीके से जो आप देख सकते हो। और इसी चीज को भाई आईडी बाय सेल में डेटा बोला जाता है और ये सारा का सारा डेटा फिशिंग का होता है, यानी कि स्कैम किया हुआ डेटा होता है। और यहां पे मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को एडवाइस कर देना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी वेबसाइट्स के चक्कर में ना पड़े, कहीं पे भी सस्ती यूसी के चक्कर में ना पड़े, कहीं पे भी आईडी को बाय या सेल के चक्कर में ना पड़े। और ये काम सबसे ज्यादा होता है इंडोनेशिया से, यानी कि इंडोनेशिया के लोग इंडियंस का डेटा चुराते हैं, स्कैम करते हैं और स्कैम करने के बाद इंडियंस को ही बेचते हैं। और यही कुछ हरामखोर आईडी सेलर होते हैं जो कि टेलीग्राम पे चैनल बना के आप लोगों को, आप ही लोगों का डेटा बेच रहे हैं और वो बोलते हैं भाई क्योंकि हम पैसे का स्कैम नहीं कर रहे हैं इसके वजह से हम स्कैमर नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो और खुद बताओ कि क्या इस तरीके से आईडी सेल करने वाला बंदा स्कैमर हुआ कि नहीं हुआ। इसी के साथ आ जाते हैं भाई वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पे मैं उसके एक एक एलिगेशन का जवाब देने वाला हूं। लेकिन यहां पे वो जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। स्टोरी ये है कि अभय गेमिंग ने ये क्लेम करा है कि वो मेरे ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था और 12 फरवरी से मेरे ऊपर काम कर रहा था और उसके बाद उसने बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठा करे और लास्ट में उसने मुझे एक्सपोज करा है, ठीक। ये उसका एलिगेशन है और मेरी सच्चाई ये है कि भाई 12 तारीख से एक बंदा है गामा नब करके, वो बंदा मेरे पास आया था और उसने बोला था कि अभय उसे डेटा खरीदने के लिए रेडी है, तो अगर आप चाहो तो मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको दे सकता हूँ। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 12 फरवरी की डेट या मैं कहूँ कि 13 फरवरी की डेट। तो आप खुद सोचो कि जो बंदा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है उसके पास 12 से लेके 18 तक के बीच में
क्योंकि भाई 18 फरवरी को ही उसको पता चला था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्टिंग ऑपरेशन है और उसमें मेरा हाथ भी है, यानी कि हार्ट स्कोप भी है। तो इसी के बाद भाई उसने 18 तारीख को सब कुछ डील कैंसिल करके सीधे सीधे 19 तारीख को उसने अपनी पहली वीडियो रिलीज करी। आप देख सकते हो ये डेट 19 फरवरी को उसकी पहली वीडियो आई थी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और उसने अपनी ही वीडियो में बोला था कि वो 12 तारीख से सब कुछ ट्रैक कर रहा था। मतलब ऐसा वीडियो, मैं इस वीडियो में पता है कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ 12 फरवरी से इस वीडियो को बनाने के लिए। हर एक छोटा छोटा प्रूफ इकट्ठा करा मैंने, लाइव रिकॉर्डिंग जो भी वीसी पर वॉइस कॉल पर रिकॉर्ड हुआ सारे प्रूफ। तो भाई यहाँ पे सवाल यही उठता है कि कौन किसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, मैं अभय गेमिंग का कर रहा था या अभय गेमिंग मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। और यहाँ पे मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली कौन है। देखो भाई, मोहम्मद अली को पहली बार जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि मोहम्मद अली का पहला बार जिक्र आया था जिस टाइम पे मैंने अली मोहम्मद पिरानी के ऊपर वीडियो बनाई थी। और मैं मुझे पता करना था कि क्या ये बंदे पाकिस्तान में भी डील करते हैं, तो वहाँ पे मैं नाम बदल के उसके पास गया था पूछने के लिए कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला और मुझे पाकिस्तान में डील करनी है। तो उसने मुझे पाकिस्तान का अकाउंट नंबर भी दिया था। तो भाई आप खुद सोचो कि अगर मैं हार्डस्कोप का नाम लेकर जाऊंगा किसी भी यूट्यूबर के पास जिसके ऊपर मुझे शक है कि वो गलत काम कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो मुझे कुछ भी बताने वाला है? मुझे नाम चेंज करना ही पड़ता है भाई। अब अगर आप सोचो कि अगर अभय गेमिंग मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था तो वो भी नाम चेंज करके आया था, लेकिन उसने कहीं पे भी नाम चेंज नहीं किया। नाम चेंज वो करता है जो कि स्टिंग ऑपरेशन कर रहा होता है। और इस पॉइंट को उठा के उसने ये बोल दिया क्योंकि भाई मैंने नाम चेंज करा यानी कि मोहम्मद अली ही हार्डस्कोप है तो इसकी वजह से मैं गलत हो गया। ये कौन सा लॉजिक है भाई, और ये कौन सी सेंस की बात कर रहा है वो? अरे भाई, मोहम्मद अली मैंने नाम चेंज करके बोला था, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो उसने 3 वीडियोस बनाई है एक्सपोज की मेरे ऊपर में, उसमें क्या कहीं पे भी मोहम्मद अली का भी कोई स्क्रीनशॉट उसने दिखाया है या मोहम्मद अली की भी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई है जहां भी उसने मुझे एक्सपोज करा हो? कहीं पे भी नहीं। खैर, इसको बहुत कुछ सिखाया मैंने, तो भाई आज ये भी सिखा दूंगा कि एक्सपोज वीडियो बनती कैसे है। तो राघव ने स्क्रीनशॉट भेजा, लॉबी स्क्रीनशॉट, कि भाई तेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने उससे पूछा, बिकॉज हमको उस पर पहले से ही शक था कि इसका जो फेसबुक है वो यहाँ पर अनलिंक पर क्यों है। तो उस बंदे ने बोला कि मैंने इसका जो फेसबुक है वो डिसेबल मार दिया मजे से, और अभी ये अकाउंट को कोई नहीं छेड़ने वाला तुम्हारे अलावा। अब भाई इस वाले क्लिप में उसने एक स्क्रीनशॉट दिखाया और वो स्क्रीनशॉट में एक फेसबुक अकाउंट दिख रहा है जो कि इन लोगों ने स्कैम करके रख लिया हुआ है। इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, ये अकाउंट स्कैम करके अभय गेमिंग ने किसी और बंदे को बेच दिया, और क्योंकि यहाँ पे नंबर दिख रहा था तो इसकी वजह से मैंने उस बंदे को फोन भी किया। और मेरे और उसके फोन की रिकॉर्डिंग आप ये सुनो। हेलो, एक सेकेंड, तुमने कोई अभय गेमिंग से अकाउंट खरीदा था क्या? जी हाँ। फेसबुक का लिंक करके? फेसबुक लिंक वाला अकाउंट खरीदा था ना, वो स्कैम का अकाउंट था। क्या था? स्कैम अकाउंट। ऐसा था क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा था। कितने में खरीदा था? 500 में। भाई जब तुमको मालूम है ये सब नहीं करना चाहिए, अगर मान लो उस पर कोई साइबर कंप्लेन करेगा तब तो तुम भी फंसोगे। ठीक है ना, उसको बात करके। और भाई तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अकाउंट बाई सेल के चक्कर में मत पड़ो। तुम उसको बोलो कि भाई तुम अकाउंट वापस लो और मेरे पैसे वापस करो, ये तो कर सकते हो ना? ये तो सिंपल सी बात है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप करो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, मैं करता हूँ आपको। तो हालांकि उसने मुझे बताया कि ये अकाउंट वो वापस करने वाला है भाई गेमिंग को, और उससे बोलने वाला है कि मेरे पैसे वापस कर दो। खैर भाई आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने गामा को अच्छा खासा पटा लिया और मैंने उसको बोला जो भी अब बात होगा, अब मेरे को बात करना है जो तेरा ओनर जो भी है, जो जिसके अंडर तू काम करता है, मोहम्मद अली, मेरे को उससे बात करना, मतलब हार्ड स्कोप से। अब यहाँ पर उसने हार्ड स्कोप को वीसी पे बुलाया, वीसी यानी कि जो टेलीग्राम पे होता है वॉइस कॉल, उस पर 4 बंदे थे, मैं था, KBN यानी राघव था, अब ये अपन दोनों थे, सामने था गामा टी। जब तो भाई इस क्लिप को मैं यहीं पे रोक के आप सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि आप देखो कि क्या ये 4 बंदों की जो बात कर रहा है उस 4 बंदों में चौथा बंदा कौन है। इसने बोला अभय गेमिंग था, राघव था, गामा था और था मोहम्मद अली। क्या आपको यहाँ पे चौथा बंदा मोहम्मद अली दिख रहा है? और ये क्लिप बिल्कुल भी मैंने टेम्पर करके नहीं रखी हुई है, ये क्लिप बिल्कुल मैंने उसकी वीडियो से ही उठाई है। और भाई मुझे तो तरस आता है कि उसकी ऑडियंस कैसी है जो इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं देख पा रही है कि चौथा बंदा यहाँ पे लोगन करके कोई है, ना कि मोहम्मद अली। कि भाई ये सामने सामने बोल रहा है आईडी सेलिंग गलत है, टेलीग्राम गलत है, और पीठ पीछे से वो इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, और ऊपर से लोग तो आईडी सेलिंग करते, ये बंदा उसका पूरा वेबसाइट बना के तैयार करा हुआ है। भाई हार्डस्कोप ये अलग ही लेवल का बंदा है। तभी मैं देखा भाई इतना महंगा पीसी है, गेम खेलता ना कुछ और करता, ही करता क्या, साला वेबसाइट बनाता है ये तो। अब आप मुझे बताओ कि पीठ पीछे प्रमोट करना किसको बोलते हैं? मतलब इसने एक नया ही टर्म कॉइन कर दिया कि पीठ पीछे प्रमोट करना। और चलो पीठ पीछे प्रमोट करना अगर मानती भी कि कोई टर्म है, तो आपने कभी देखा है कि मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे या कहीं पे भी मैंने कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट करी है? कभी भी अगर नहीं करी है भाई, तो ये बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है ना, सीधा अक्ल तो लगाओ।
भाई मैं ये वीडियो स्पेशली उसकी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को तो पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन भाई मैं उसकी ऑडियंस को भी एक मौका देना चाहता हूँ ताकि वो लोग को भी समझ में आए कि सही क्या है गलत क्या है। और भाई ये बोल रहा है कि पीसी मैंने रखा हुआ है, गेम वेम खेलता नहीं हूँ तो वेबसाइट बनाता हूँ। हे भगवान, भाई तेरे जैसे मुझे दूसरे का गेम प्ले लेके अपनी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके बैकग्राउंड में जितने भी गेम्स हैं वो सारे के सारे मेरे अपने गेम प्ले हैं। कहीं से भी मैंने कोई भी दूसरे का गेम प्ले कभी भी नहीं उठाया है। जो भी गेम प्ले आपको दिखता है इस वीडियो में, भी जो गेम प्ले दिख रहा है वो भी मेरा अपना खेला हुआ है मेरे ही अकाउंट से। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, और इतना ही अच्छा सपोर्ट दिखाया कि हमारे हार्ट सपोर्ट भैया की इतनी जल गई कि उन्होंने अपनी जो लास्ट दो वीडियोस थी वाईटी दितिक वाली और मेरे ऊपर जो एक वीडियो बनाया था एक्सपोज वीडियो, उन दोनों वीडियो को उन्होंने प्राइवेट कर दिया डर के हमारे, और एक वीडियो अभी भी रख रखा है और वो भी एक महीने पुराना वीडियो है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इस पे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्योंकि मैं कार्डिंग और स्कैमिंग के ऊपर ही काम कर रहा था, इसी की वजह से मैंने वो दोनों वीडियोस प्राइवेट करी थी। अगर मैंने डर के मारे प्राइवेट करी होती तो क्या मैं वापस से इनको पब्लिक करता? तो भाई मैंने अभी इन दोनों वीडियोज़ को पब्लिक कर दिया हुआ है, और जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने रिप्लाई करा हुआ था अभय गेमिंग को, वो वीडियो अगर किसी ने भी देख ली होती तो भाई मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। अब आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर, जो अपना 60,000 का स्कैम हुआ था उसके ऊपर मैंने गामा से पूछा था कि वो स्कैम करा किसने, तो वो गामा बोलता है हड़बड़ाते हुए कि मेरे को नहीं मालूम, स्कैमर अलर्ट डिपार्टमेंट में से किसी ने किया है। अब वो पूरा डिपार्टमेंट में करीबन 150 बंदे, और 150 बंदों में कोई भी कर सकता है, पर उन्हीं 150 बंदों में से एक गामा खुद भी है। अब यहाँ पर मेरे को कैसे पता चला कि ये जो अकाउंट मेरा जो स्कैम हुआ वो खुद हार्ड स्कोप और गामा ने मिलकर किया है, और ये उन्होंने किया कैसे ये सब चीज़ मैं आपको अभी प्रूफ दिखा था। अपना मौज पारी के मेरा फ्रेंड और रीसेलर है, अब भाई हार्ड स्कोप ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और एक फेक अकाउंट बनाया यहाँ पर सेम नाम से, मौज पारिक नाम से, और वो अकाउंट बना के मेरा स्कैम किया। अब जितने भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह देख रहे हो वो उसी मौज पारिक के हैं जो इसने मेरा स्कैम किया था। मेरे को एकदम रियल लगा बिकॉज उसने फोटो भी कॉपी कर लिया, एग्जैक्ट नाम भी कॉपी कर लिया यहाँ पर हार्ड स्कोप ने, और फेक अकाउंट डिक्टो का डिक्टो बना दिया, और जो बात करने का तरीका है वो यहाँ पे हार्ड स्कोप का ही था। अब यहाँ पर क्या प्रूफ है कि जो वो मौज पारिक था वही हार्ड स्कोप है? अब इस चीज़ का प्रूफ देखो आप लोग पहले। तो अभी आई होप सो आप लोग को मेरा आवाज़ आ रहा होगा, तो इधर मैं सर्च करता हूँ। सबसे मेन जो प्रूफ है ना यही है, ठीक है, पूरे वीडियो में मौज, ये देखो मौज पारिक। अभी मैंने बोला था ना कि एक क्लोन आईडी था मौज पारिक का जिसने मेरा 60,000 रुपीज़ का स्कैम किया था। अब उसका मेन चीज़ ये वही प्रोफाइल है मौज पारिक। देखो इसने मेरे को ब्लॉक करके रहा लास्ट इन लॉन्ग टाइम अगो। इसका जो एडमिन है, एडमिन कौन है, एडमिन पबजी लवर 2121, पहचाने कौन है? तो भाई मुझे तो पता है कि मेरी और पढ़ी लिखी ऑडियंस को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं भाई। मतलब इसके साथ जो स्कैम हुआ वो किसी मौज पारिक का क्लोन आईडी बना के किसी ने इसके साथ करा, तो वो भी मैंने ही करा। क्यों? क्योंकि बात करने का तरीका सेम था, और दूसरे इसने क्या बताया कि बायो में जो लिखा हुआ था पबजी लवर 2121, तो इसकी वजह से जो मौज पारिक था वो मैं हूँ, यानी कि मोहम्मद अली है। अब क्या बोलूँ भाई मैं, अगर बायो में किसी के भी कुछ लिखने से हो जाता, अगर वो प्रूफ हो जाता, तो वैसे तो भाई कुछ भी बना सकते हैं। और मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि ये देखो ये अभय गेमिंग का मेन अकाउंट है, और अभय गेमिंग का मेन अकाउंट क्यों है, क्योंकि भाई इसके बायो में लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो यूपीआई भी मैच कर लो अभिलाषा, जो कि इसी की यूपीआई है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिन कौन है, एडमिन है अभय गेमिंग, यानी कि यही अभय है और यही है सबसे बड़ा स्कैमर। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में कि किसी के बायो में कुछ लिखा है तो इसके वजह से वो बंदा फ्रॉड हो गया। मतलब बायो में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है भाई, कोई भी बड़े से बड़ा स्कैमर अपने बायो में अगर लिख देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ग्रुप का एडमिन है, क्योंकि भाई ग्रुप का एडमिन बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। आप किसी के भी टेलीग्राम आईडी को भाई एडमिन बना सकते हो किसी भी ग्रुप में, और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वो प्रूफ बना के दिखाओगे कि भाई क्योंकि ये एडमिन है इसके वजह से ये गलत हो गया, ये फ्रॉड हो गया। भाई जितना भी लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि भाई मैं अकेला ही चला था, अकेला ही चलूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो मैं किसी को भी फॉलो नहीं करता, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो मैंने किसी को भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, और भाई जो टेलीग्राम पे भी मैं काम करता हूँ अकेला ही काम करता हूँ। तो भाई बायो में लिख के किसी को तुम गलत साबित करोगे तो इस पे बच्चे ही विश्वास करने वाले हैं, कोई भी पढ़ा लिखा मैच्योर इंसान विश्वास नहीं करेगा। अब भाई यहाँ पर ना हार्ड स्कोप का ये तो खाली 60,000 रुपए का स्कैम था, 60,000 रुपीज का स्कैम था, हार्ड स्कोप का एक 2,00,000 रुपए का स्कैम पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसका मेरे पे फिलहाल प्रूफ वगैरह आ रहा है, और हार्ड स्कोप पे लीगल एक्शन भी लेंगे
FIR भी होगा, जो भी चीज होगा सब कुछ होगा। और इसका मेरे पे तो पिक भी आ चुका है यार, इसका फेस रिवील मेरे पे ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई इस वाले क्लिप पे इसने चार बातें बोली, जिसपे पहले ये बोला कि मैंने 2 लाख का भी एक स्कैम करके रखा हुआ है, तो भाई उसका प्रूफ दे। ठीक है, सीधा बोलने से नहीं होता, मैं भी बोल लेता तूने 2 करोड़ का स्कैम करके रखा हुआ है। दूसरा, इसने बोला कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेगा, तो भाई क्या लीगल एक्शन लिया तूने? तूने खुद ही बोला था कि मैंने तेरे 60,000 रुपए का स्कैम करा हुआ है, तो कर ना कंप्लेंट भाई, cybercrime.gov.in में कंप्लेंट करके एक PDF फाइल मुझे भेज, मैं उस पर एक्शन करवा के दिखाऊंगा। और तू नहीं करने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि तेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि तू बहुत बड़ा झूठा है। और लीगल एक्शन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तुझे पता चल जाएगा कि लीगल एक्शन क्या होता है। तीसरा, इसने बोला कि मेरे ऊपर FIR करेगा, तो भाई किधर है FIR, कहां है FIR? FIR करके दिखा, FIR का नंबर दे मुझे। और चौथा, इसने बोला कि मेरा फेस इसके पास आ चुका है। भाई जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको मालूम है कि मेरा फेस रिवील कब हुआ था और मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है? और अगर तेरे पास फेस रिवील है मेरा, तो मैं तुझे बोलता हूँ तू कर दे रिवील, ठीक है? तू मेरा फेस रिवील कर दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, तू कर दे फेस रिवील। और भाई जितनी भी ऑडियंस है जाके इसको बोलो कि तेरे पास फेस आ चुका है, तो तू कर दे रिवील, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये गया हार्ड स्कोप के पास, हार्ड स्कोप भाई मेरी हेल्प कर दो, प्रूफ कितना भेजा देखो हार्ड स्कोप को, भाई मेरे साथ 10K का स्कैम हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। हार्ड स्कोप पे तो बहुत पैसे है ना, ये देखो सारे पेमेंट का स्क्रीनशॉट हार्ड स्कोप को भेजा, 7,000 रुपए का। हार्ड स्कोप खाली सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। भाई इस क्लिप को यहीं पे रोक के मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे इसने जो बोला कि मैंने सीन करके कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, वहीं पे यहाँ पे रिप्लाई दिख रहा है बोलो, जिसपे उस बंदे ने हार्ट भी दिया है। वो बोल रहा है बोलो बोलो बोलो, इतना कुत्ते की तरह भाई इससे बर्ताव कर रहा है, और लास्ट के अंदर कुछ रिप्लाई तक नहीं दे रहा, पूरा उसको प्रूफ दे रहा है हार्ड स्कोप। लास्ट के अंदर पता है क्या बोलता है कि मेरे पास क्यों आया, पुलिस के पास जाना। भाई ऐसा तुम बात करते हो अपने सब्सक्राइबर के साथ जब उसके साथ कोई स्कैम होता है इतना बड़ा? भाई ये है हार्ड स्कोप की रियलिटी। भाई यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया कि तुम FIR करो पुलिस स्टेशन जाके, क्योंकि भाई अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद बताओ, आप क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ? वीडियो बनाने से आपके पैसे वापस आएंगे। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके साथ डेली स्कैम होता है, और उनमें से भाई 10 लोग रोज मेरे पास आते हैं कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया है, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई आप FIR करो, आप cybercrime.gov.in पे जाके साइबर कंप्लेंट करो, तभी आपका कुछ हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कोई जज या अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इस बच्चे को लगता है कि कोई और भी रास्ता है, तो जिनके साथ भी स्कैम हुआ है प्लीज आप जाओ इसके पास और इसको बोलो कि भाई मेरा स्कैम हुआ है, मेरी हेल्प कर दो, देखते हैं कि ये क्या हेल्प करता है। अब यहाँ पर ना, जब भी मैंने मेरा पहला वीडियो डाला था, देन उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई अभी ये बंदे जिधर पे भी जाए मेरे को इसका पल पल का डिटेल चाहिए, ये बंदा किसी को भी ID बेचेगा, डाटा बेचेगा, मतलब हार्ड स्कोप और गावा दोनों मिलकर कभी भी वेबसाइट बना रहे, कुछ भी इल्लीगल एप्लीकेशन वगैरह बेच रहे, इल्लीगल वेबसाइट बेच रहे, इल्लीगल एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी गेम वगैरह के अकाउंट्स वगैरह हैक कर रहे हैं, भाई उस सब चीज़ की मेरे को डिटेल चाहिए। तो इधर पे ही हमारे एक भैया थे, अब मेरे को देखो यार इंडिया के अंदर ना जितने भी बंदे लोग हैं सब बंदों का उन लोग को पता रहने वाला है ऑलमोस्ट, तो भैया मैंने चुन लिया एक बाहर का बंदा, हमारे अब्बू भैया। तो भाई सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब्बू भैया ये किस तरीके का कन्फ्यूजन वाला नाम है भाई, अब्बू भैया, और भाई ये क्या बोल रहा है, कौन सा कार्टून देखता है, ये कौन सी दुनिया में जीता है कि जब मुझे पता चला कि हार्ड स्कोप स्कैमर है तो मैंने बंदे लगा दिए उसके पीछे कि मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सी इलीगल ID बना रहा है, इलीगल वेबसाइट बना रहा है, हर चीज़ की खबर चाहिए, और उसके लिए इसने हायर किया एक पाकिस्तान के बंदे को। ओ भाई यार इसकी ऑडियंस, मतलब एक तो ये महान है और तुम भाई डबल महान हो, मतलब महान से भी ज़्यादा महान हो कि भाई तुम इसकी वीडियोज़ देखते हो और ये सब चीज़ों पर ट्रस्ट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी लिखते हो। भाई मैं क्या बोलूँ यार इस पे, बताओ मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना चाहिए क्या मेरे को? ओ भाई यार, भाई इस पे तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी एलिगेशन इसने लगाए हैं कि मैं इलीगल वेबसाइट्स बनाता हूँ, ID स्कैम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो भाई हार्ड स्कोप या मोहम्मद अली, इन दोनों में से किसी भी नाम से मुझे कोई भी प्रूफ दे दो, एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक वॉइस रिकॉर्डिंग या एक वीडियो क्लिप, कुछ तो दो प्रूफ, यही होता है भाई। और मतलब बोलने से किसी का कोई प्रूफ नहीं हो जाता है, और प्रूफ मैं दूंगा, टेंशन मत ले, वीडियो के अगले पार्ट में मैं प्रूफ के साथ तुझे एक्सपोज करूंगा, लेकिन बिना प्रूफ के कोई भी बात बोलने से कुछ भी साबित नहीं होता है। बट इन सब के पीछे कोई तो रहता होगा ना भाई? नहीं नहीं नहीं, ये इंडोनेशिया से उठते हैं डाटा। इंडोनेशिया से भी? सारे इंडोनेशिया से? सारे इंडोनेशिया से, कुछ कुछ होते हैं जो अपनी वेबसाइट खुद बनाते हैं, जैसे कि वो मोहम्मद अली था। शायद मेरे को नहीं मालूम मोहम्मद अली के बारे में। अब हमारे जो मोहम्मद अली भैया है वही वहाँ पर वेबसाइट डिजाइन करते हैं और रीसेलिंग भी करते हैं। अब भाई मैं फिर से बस्सी को याद करना चाहूँगा और फिर से बोलना चाहूँगा
कि कोई लॉजिक है इस बात में? मतलब इसने ये क्लिप अपनी ही वीडियो में डाली है, और इस वीडियो क्लिप में जब इसने पूछा कि जो वेबसाइट बेच रहा है वो मोहम्मद अली ही है, तो जो लोगन करके बंदा है वो बोल रहा है कि मोहम्मद अली का मेरे को नहीं पता, जैसे कि वो मोहम्मद अली था। लेकिन फिर भी ये इसको स्टेटमेंट बना के बोल रहा है कि इसका मतलब मोहम्मद अली है। मतलब कोई सेंस है इस बात में? 1% का भी सेंस है इस बात में? तो भाई ये तो था रिप्लाई। अब आ जाते हैं इसके एक्सपोज के ऊपर। तो भाई हुआ ऐसा था कि 14 फरवरी को केबीएन के पास एक फेसबुक का अकाउंट आया था जो कि स्कैम्ड था, और वो स्कैम्ड अकाउंट को अनलिंक करने के लिए उसने गामा को फोन किया, और गामा ने वो पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली। हेलो केबीएन भाई, आप ही बोल रहे हो ना? केबीएन भाई बोल रहे हो? हाँ मैं क्या बोला, स्क्रीन शेयर करो, आपको कुछ चीजें बता दूं मैं। Yes. कर दिया अब। हाँ ठीक है। अरे ये ना बताऊँ, ये जो ऐप है ना, डेली वीपेन। हाँ ये क्या कर रहा है? ज्यादा बड़े काम नहीं करता है। मेरे इसमें तो काम कर रहा है यार, आप इसमें क्यों नहीं काम कर रहा? मतलब एक बार तो हो गया लॉगिन। हाँ जब मैं लॉगिन किया तब नहीं हुआ। तो लॉगिन अप्रूवल आ गया ना? देखो लॉगिन अप्रूवल पता है बेसिकली आता कब है? और आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स तो पता ही होंगे डाटा खोलने के, इफ आई नो। डाटा पहली बार ले रहे हो क्या आप? तो भाई आपने सुना, इसने बोला कि इसके पहले मैंने 2-3 बार डेटा खरीदा हुआ है। इसको थोड़ा सा स्लो करके सुनते हैं। तो भाई ये होता है प्रूफ, केबीएन के मुंह से ये बोलते हुए कि उसने 2-3 बार डेटा खरीदा है। अच्छा किससे लिया था पहले आपने? से बुद्धि। हाँ किट बुद्धि। और भाई यहाँ पे आपने सुना, इसने अपने मुंह से बोला कि किट बुद्धि से खरीदा। अब किट बुद्धि कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया का एक चैनल है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही उड़ा दिया गया था, कुछ पोर्नोग्राफिक चीज़ें उस पर डाल दी गई थी। लेकिन उसके बाद इसने अपना दूसरा चैनल खोला है, आपको मैं नाम नहीं दिखाऊंगा कि क्या खोला है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे किट बुद्धि लिखा हुआ है, और ये भी उन्हीं में से एक है जो कि डाटा सेल करता है। हाँ बना लिया, इसको कन्फर्म कर लो एक बार पहले ईमेल को अपने कोड डाल के। केट से आप पहले कितने रेट में लेते थे डाटा? पहले मैनुअल लेता था, वो अकाउंट भी ठीक था। हाँ लेट्स सी। हाँ खोल खोल के आपका करना। अब जैसे ऊपर जाओ और वहाँ पे जाके सेटिंग्स नीचे जाओ। अरे कोई अकाउंट खुल गया, ये कोई कुछ अकाउंट खुल गया, ये कौन अकाउंट खुल गया? अभी गेमिंग का खुला है कोई अकाउंट। क्या अभी गेमिंग लिखा हुआ है अकाउंट के ऊपर? नया अकाउंट खुल गया? नया पुराना अकाउंट है किसी का? खुल गया ये अभी गेमिंग का खुल गया अभी का ये अकाउंट अभी के नाम से। हाँ आपने गलती से लॉग इन पे तो क्लिक नहीं कर दिया, उस पर तो नहीं क्रिएट कर दिया ना? साइन अप पे, साइन इन पे, साइन इन पे क्लिक किया था। साइन इन पे क्रिएट करोगे तो फिर वो एक नया अकाउंट पुराना अकाउंट खोलेगा ना किसी का? साइन अप पे क्रिएट करोगे ये आपका ही खुला है, अभी गेमिंग नाम है अकाउंट का। अच्छा Yes. देखो क्या निकलता है। अभय भैया का अकाउंट है शायद से। ये कौन सा अकाउंट है? ये पता नहीं, ये जिस ये अभय गेमिंग भैया ने, अभय भैया ना, उनने शायद से इस वाले से ये लॉगिन किया हुआ है अकाउंट। तो भाई यहाँ भी देखा आपने, बेहिचक इस बंदे ने यानी कि केबीएन ने स्क्रीन शेयर कर दिया अभय गेमिंग के फोन का, और भाई जब उस फेसबुक अकाउंट को खोला तो ऑलरेडी उस फेसबुक अकाउंट का नाम चेंज करके अभय गेमिंग कर दिया हुआ था, और भाई जब गेम खोला गया तो गेम में भी उसी फेसबुक से लॉगिन किया हुआ था। तो भाई मुझे लगता है कि अब इसके बाद किसी को भी डाउट नहीं रह जाएगा कि कौन किसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था और कौन है स्कैमर। और इतना ही नहीं भाई, अभय गेमिंग और गामा के बीच की पूरी चैट हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख सकती है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूँ, आप चाहो तो रोक करके एक एक पॉइंट पढ़ सकते हो, और ये पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि ये बंदा डेटा खरीदने के लिए इतना नीचे गिर चुका था कि किसी से भी डेटा खरीदने को तैयार था। और इसी की वजह से जब ये फंस गया, जब इसको पता चल गया कि अब इसके अगेंस्ट में सारे प्रूफ्स मेरे पास आ चुके हैं, तो भाई इसने जल्दी जल्दी में 19 तारीख को वीडियो बना के डाल दी। और भाई अगर इसने जल्दी में नहीं बनाई होती तो भाई मैं उस वीडियो के 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, आप खुद बताना कि ये जल्दबाजी के थे कि नहीं। और एक ऐसा यूट्यूबर जो इसमें शामिल है जिसके बहुत सारे अंधभक्त है,
उनकी भक्ति तोड़ने और सारे प्रूफ के साथ भैया जी पे वीडियो आ चुकी है। तो भाई इस क्लिप में आप देख सकते हो कि जहाँ पे मेरे चैनल की क्लिप लगानी चाहिए थी, यानी कि मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट लगाना चाहिए था, वहाँ पे इसने अपने ही चैनल का स्क्रीनशॉट लगा दिया और बोल रहा है कि इस चैनल की जो ऑडियंस है, जो अंधी ऑडियंस है, जो अंध भक्त है, उनको सब कुछ पता चलने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ भाई कि स्क्रिप्ट लिखो और जल्दबाजी में कोई भी वीडियो मत बनाओ। अब ये वाला वीडियो मैं मेन चैनल पे डालता, बट भैया जी ने मेरा मेन चैनल ही उड़ा दिया, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर अपन सारा सब कुछ बता देंगे। अब यहाँ पर ये वीडियो के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि जिंदगी के अंदर आपका जो BGMI या फिर PUBG है। अब भाई आप ये बताओ कि इस क्लिप में अरविंद केजरीवाल का क्या काम है, क्योंकि भाई इसके पास कोई नया गेम बैकग्राउंड में डालने के लिए था ही नहीं, इसी की वजह से इसने पिछला वाला ही गेम उठा के डाल दिया और उस गेम में जहां पे केजरीवाल की क्लिप थी उस क्लिप को भी इसने रहने दिया और कुछ भी बोला जा रहा है जो कि कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। और भाई इतनी जल्दबाजी वीडियो डालने की कि पकड़ा ना जाए, इसने साउंड भी ओवरलैप हो रहे हैं उसको भी ठीक नहीं किया, ये सुन लो आप। और कैसे आप लोग उससे बच सकते हो, शुरुआत से शुरुआत करते हैं, जहां पर ना बंदे का जब भी मेरा 60,000 रुपीस का आईडी का स्कैम होने वाली है दो अकाउंट का। तो भाई लोग अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी जिन लोगों को ये लगता है कि मैं स्कैमर हूँ और अब है लेजिट है, तो भाई मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे और भाई मेरे चैनल से दूर रहो, क्योंकि इनके जैसे इडियट लोगों की वजह से मैं जेन्युइन कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाता हूँ। इसी के साथ आ जाते हैं भाई वीडियो के चौथे पार्ट में, जहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ था कि व्लॉग में किस तरीके से इसने अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाया। तो ये आप वीडियो देख सकते हो जहाँ पे इसने बताया था कि भाई बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और भाई ये क्लिप इतनी फनी है, मतलब मुझे लगता है कि 7-8 साल का बच्चा होगा ना वो भी देख के समझ जाएगा कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और फेक था। अब भाई मुझे बताओ कि जब ये गिरा हुआ दिखाया था तब ये लेफ्ट साइड गिरा हुआ था, लेकिन स्क्रैचेस आ गए राइट साइड में, और राइट साइड में भी भाई सीट पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं, जो हैंडल होता है उस पे स्क्रैच आते हैं और जो लेग गार्ड होता है उस पे स्क्रैच आता है, और बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट होगा तो जो फुटरेस्ट होगा उस पे स्क्रैच आएगा, लेकिन सीट पे स्क्रैच नहीं आता है। और भाई तुमने बाइक गिरा के रखी हुई है लेफ्ट साइड और स्क्रैचेस दिखा रहे हो राइट साइड में, और यही स्क्रैचेस भाई वीडियो के स्टार्टिंग में भी है, जिस टाइम पे एक्सीडेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लिप, यहाँ पे ऑलरेडी वो स्क्रैचेस थे, यानी कि वो सीट फटी हुई थी कहीं कहीं से। तो भाई कितना काटोगे पब्लिक का, कितना बेवकूफ बनाओगे पब्लिक को। तो खैर ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि वो बंदा कितना ज्यादा फेक है। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे पॉइंट की, यानी कि वीडियो के लास्ट पार्ट की, यानी कि लीगल एक्शन की, कि मैं इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी के ऊपर कोई भी वीडियो बना दो, कुछ भी बोल दो और वो बंदा चुपचाप रहे अगर वो सही है तो। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये उस मेल का स्क्रीनशॉट है जो कि मेरे एडवोकेट ने इस बंदे को करी है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि जो कुछ भी इसने करा है, जो कुछ भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, जो भी मुझे मेंटल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है, उसके लिए हम आगे लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर 15 दिनों के अंदर इसने वो तीनों वीडियोज डिलीट नहीं करी और अपोलॉजी वाली वीडियो नहीं डाली। तो अब मुझे पता है कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई सीधा सीधा एक्शन ही ले लेना चाहिए था, ये वार्निंग क्यों देना, लेकिन देखो भाई ये है तो एक बच्चा ही, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होना होगा PIL के बाद, जो भी सेलर के ऊपर होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं इसको एक मौका देना चाहता हूँ क्योंकि इसके फादर नहीं है, तो इसके वजह से इसको एक मौका दे रहा हूँ कि 15 दिनों के अंदर अगर इसने उन तीनों वीडियोस को डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूँ डिलीट नॉट प्राइवेट, क्योंकि अगर प्राइवेट करोगे तो वो दिखता है कि वीडियो प्राइवेट करी गई है, तो मुझे वो वीडियो डिलीट चाहिए। अगर वो तीनों वीडियो इसने डिलीट नहीं करी तो फिर भाई उसके बाद मैं कोर्ट में एक्शन करूंगा और कोर्ट में फिजिकली इसको आके सब कुछ आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो भाई बस अब मुझे लगता है कि अब है स्कैमर और KBN और उसके जैसे जितने भी इडियट स्टूपिड बच्चे हैं जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, सिर्फ कार्टून और पता नहीं कौन सी तिलिस्मी दुनिया भरी हुई है, जिनको सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए, कुछ भी इनको पता नहीं है, तो वीडियो पे वीडियो बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और उन लोगों को बताने की कोशिश करी है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना फिर आगे जो लीगल एक्शन लेने हैं वो तो मैं लूंगा ही, और तब तुम्हें पता चलेगा कि लीगल एक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो भाई बस अब ये वीडियो हो चुकी है ज़रूरत से ज़्यादा लंबी, तो ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे, मिलूंगा आप सबसे मैं 6 मार्च यानी कि संडे को लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।